अब हमारे साथ आने वाले हैं डॉक्टर सीमा। ये मैम को इन मैम को 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में एंड शी इज अ वेरी सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर। शी इज अ सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। सो इन्होंने 2,50,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है। ओ माय गॉड, दैट्स अ ह्यूज नंबर। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते एंड इनसे बात करते हैं। इफ शी इज देयर, सीमा मैम, कैन आई सेंड यू अ रिक्वेस्ट? And guys, this was an informative session. Stay tuned for more information on Corona regarding Ayurveda. I mean, with the perspective of Ayurveda. Seema ma'am, I'm trying to... Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Kajal. How are you? Great, ma'am. How are you doing? I'm sure aapke saath hame aur bhi zyada vibrant prospect se knowledge milegi. So yeah, aap Ayurvedic doctor hain. तो मैम, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस फील्ड को चूज करने के लिए? ओके, ये काफी टचिंग क्वेश्चन तुमने पूछ लिया स्टार्टिंग में ही। एक्चुअली मेरी मॉम 60s में 10th क्लास की टॉपर थी अपने हरियाणा और पंजाब यूनिवर्सिटी तक एक होती थी, इकट्ठी होती थी और उस समय की वो टॉपर थी। तो उनके हेडमिस्ट्रेस उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी और मेरी मॉम में भी काफी सेवा भाव था तो वो डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती थी पेशेंट्स की। लेकिन उस समय टाइम ऐसा था कि कुछ ऑर्थोडॉक्स थे उनके पेरेंट्स, उन्होंने उनको नहीं भेजा पढ़ाई के लिए, उन्होंने कुछ और करवाया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा रह गई थी कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मेरी बेटी एटलीस्ट डॉक्टर बने। तो इसलिए मैंने एग्जाम दिया, पीएमटी एग्जाम दिया, तो 2 नंबर से मेरा रह गया पीएमटी एमबीबीएस के लिए। उस समय कॉलेज भी एक ही होता था शिमला में, लेकिन फिर मुझे डेंटल मिल रहा था लेकिन उसमें यही रहा कि वो मम्मी का भाव पूरा नहीं होना था, सेवा भाव वाला। तो फिर उसके बाद 3rd नंबर पर आयुर्वेदा का चॉइस था तो मैंने वो ऑप्ट किया इसलिए, क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी और शायद उन्होंने कुछ संस्कार हमें ऐसे दिए थे कि सेवा भाव हमने भी था, तो इसलिए आयुर्वेदा फील्ड और बहुत अच्छा भी लगा मुझे इसमें आकर के। That's really nice, ma'am. मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करने के लिए जीते हैं एंड दैट्स रियली रियली गुड मैम। सो मैम, आप हमें आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि वॉट इज इट ऑल अबाउट? लाइक हमें इतना पता है कि एंशियंट फिलोसफी है बट स्टिल थोड़ा बहुत। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, आयुर्वेद एंशियंट फिलॉसफी नहीं है, एंशियंट पैथी है, पूरी एक कंप्लीट पैथी है। बहुत लोग इसे स्वीडो साइंस कहते हैं, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, बट ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट पैथी है जो हर एस्पेक्ट को कवर करती है हमारे बॉडी के, हमारे रहन सहन, हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारा हमें प्रिवेंशन के मेजर्स बताती है। स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और बीमार व्यक्ति की का चिकित्सा करके उसको ठीक करना है। अभी अगर हम इसे कंपेयर करें एलोपैथिक से, तो एलोपैथी का एक फंडा रहता है कि बीमारी को सप्रेस करना है, दबाकर वो ठीक करते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है वो अंदर से बीमारी को निकालता है। पूरा हमारा एक पंचकर्मा थेरेपी होता है जिसमें प्रॉपर बॉडी का डिटॉक्सिफाई बॉडी को किया जाता है, सारे गंदगी को शरीर से निकाल करके बॉडी को एक साफ उसमें करके, ताकि दोबारा उसमें रोग ना हो। तो आयुर्वेद एक बहुत वास्ट फील्ड है जो हमें जीवन जीने के तरीके बताता है। आयु जमा वेद, आयु का ज्ञान है आयुर्वेद, जो हमें सही तरीके से हमारी जिंदगी को जीने के तरीके बताता है। वहां पर यह भी लिखा है कि आपको किस समय में किस पोजीशन में बैठकर खाना खाना है। अगर आप अपना छींक को रोकेंगे, आप अपने यूरिन जाने को रोकेंगे, आप अपने वेगों को रोकेंगे, तो आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं। जो पैथी हमें इतनी बारीकी से एक एक चीज बताती है वो फिलॉसफी नहीं हो सकती, वो एक कंप्लीट पैथी है। हाँ, एक बात मैं जरूर मान सकती हूँ कि आयुर्वेद जिस टाइम में फला फूला बढ़ा, उस समय में ऐसे टेस्ट नहीं होते थे, टेक्नोलॉजीज इतनी विकसित नहीं थी, तो हम हर चीज।
मैं यही बता रही थी कि उस टाइम में कोई पैरामीटर्स नहीं होते थे, जैसे अभी तो मेडिकल टेस्ट होते हैं, आप कहीं भी जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूशन पर सबसे पहले आपको टेस्ट की एक लंबी सी लिस्ट दे दी जाती है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी पैथी जिस टाइम में डेवलप हुई उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ठीक है कि हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम इंडियंस को सूट करता है। हमारी दादी माँ नानी माँ आप देख सकते हैं कि हमारी किचन में आयुर्वेद है, और इतने साल से हमारे एंसेस्टर्स हमारी जनरेशन यहाँ तक पहुंची है आयुर्वेद के सहारे। इस बात का तो प्रूफ है ना, सब सब देख रहे हैं ना कि आयुर्वेद ही होता था पहले, एक मेन पैथी आयुर्वेद ही होता था। तो अगर हम हमारी कमी ये है कि हम इसको इसका 10% भी यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम ढंग से आयुर्वेद को अपनी लाइफ में लाएं तो ये एक कंप्लीट पैथी है और हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना इंफॉर्मेशन दिया, एंड यस नाउ आई नो इट्स अ कंप्लीट पैथी इन इटसेल्फ, एंड आई विल नेवर से आयुर्वेदा इज अ फिलोसफी नाउ। सो मैम, कमिंग टू कोविड-19, कोविड-19 ने कोहराम मचा रखा है, तो आप बता सकते हैं कोविड-19 और आयुर्वेदा के बीच में क्या कनेक्शन है? कोविड-19 और आयुर्वेदा के बीच में कनेक्शन, देखो कोविड-19 एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण है। वायरल इन्फेक्शन शुरू से होते आए हैं, हो भी रहे हैं, इससे पहले हमारे पास HIV आया, H1N1 आया, निपाह आया, स्वाइन फ्लू आया, कितने वायरसेस आए, ठीक है, और अब कोरोना। कोरोना का कहर थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी इसका वैक्सीन बन नहीं पा रहा है, मेडिसिन बन नहीं पा रही है। तो आयुर्वेद का इसके साथ कनेक्शन यही है कि आयुर्वेद हमें वो तरीके बताता है जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी डेवलप होती है, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में हमें हेल्प करती है। और देखो कोरोना वायरस अभी पता नहीं कितना चलना है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद में बताए हुए कुछ तरीकों को अपनाते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका पालन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज आयुर्वेद की कोई टिप आज हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होने वाला है। टाइम लगता है हर चीज को, हमें एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अब टाइम आ गया है कि हम आयुर्वेद को अच्छे से पूरी तरह से अपनाएं। अगर अगर आपको ध्यान होगा कि जब मोदी जी ने सेकंड अपना लॉकडाउन का मन की बात में वो आए थे, तो उन्होंने आयुष मंत्रालय का जिक्र किया था कि आयुष मंत्रालय के कुछ को उन्होंने एक तरह से हमें उसको लोगों को मानने के लिए बोला है। क्यों बोला है कि सबको पता है कोरोना वायरस अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है और इसमें हमारी इम्यूनिटी ही काम आने वाली है, और इम्यूनिटी आयुर्वेद से बढ़कर कोई बढ़ा नहीं सकता है। यस मैम, सो इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अगर आप थोड़े से टिप्स दे सके तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। जी, तो इसमें काजल सबसे बड़ी बात यही होती है कि वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जो हम खाते हैं तो हमारी जैसे मेटाबॉलिक फायर्स होती हैं जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहा जाता है, अगर वो सही होती है तो वो खाए हुए खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इन 7 धातुओं में कन्वर्ट करके और लास्ट में ओज इम्यूनिटी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अगर हमारा खान पीन ठीक नहीं होगा, अगर हमारा रहन सहन आहार विहार हमारा ठीक नहीं होगा, तो हमारी जठर अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी मेटाबॉलिक फायर्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, और वो हमारे खाए हुए खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेंगी, आम रस बनेगा उसमें अनडाइजेस्टेड फूड बन जाएगा, वो प्रॉपरली रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है इम्यूनिटी उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और वो आमरस हमारे शरीर में रोग पैदा करेगा और इम्यूनिटी हमारी बॉडी की लो हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी और फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, इस हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं अगर इसको हम एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि कोई भी अगर बाहर की कोई भी चीज हमें अटैक करती है जैसे कोविड-19 इस समय हमें अटैक कर रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट कर रही है, उससे लड़ रही है, तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो तो जीत जाएगा, ठीक है, और जिसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होगी तो इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा निकलेंगे। क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, सेल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने होते हैं, ठीक है ना,
हमारे एटम्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है, ये जो भी साइंस स्टूडेंट होंगे पता होगा। तो जब हमारे ऊपर COVID-19 का अटैक होता है, किसी भी वायरस का अटैक होता है, कोरोना वायरस का, तो वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने साथ वाले एटम का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, वो फिर वो दूसरा तीसरे से खींच लेता है। इस तरह से चेन रिएक्शन बन जाता है और उसमें हमारी बॉडी में डैमेज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस से हमें लंग इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल इसमें ये रहता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत सारी हमारे अश्वगंधा चूर्ण से, हम अभी डिटेल में बात करेंगे उस बारे में, हमें किस किस चीज से और किस खान पान से मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को उस फ्री रेडिकल से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं और खुद भी अनस्टेबल नहीं होते हैं। आई डोंट नो ये थ्योरी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मैं इसे जरूर बताना आ रही है कि हम लोग अब तो सुनते हैं ना कि इस चीज में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इस चीज में ये फ्री रेडिकल से स्किन डैमेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये एक फंडा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके उस एटम को स्टेबल कर देते हैं और चेन रिएक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही रोल आ गया कि अगर वायरस हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है, उससे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें खाएंगे, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उनको रिप्लेस कर देंगे टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, और एटम्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी और बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी। ये फंडा है। हाँ जी, सो मैम थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब हमें आई थिंक क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया है ना, नहीं तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। एंड मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, लाइक नाउ दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड कि ये किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, अब देखो लॉकडाउन खुल रहा है, सो बेसिकली लोग जो है वो ऑब्वियसली कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा चांसेस है, तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सब पैनिक कर रहे हैं इससे, तो किस तरह से बचा जाए इससे? लॉकडाउन खुल रहा है और खुलना भी चाहिए, क्योंकि फिर भी बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले लॉकडाउन किया। और देखो तीन तरीके थे हमारे पास कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला है एग्रेसिव सुप्रेशन, जो कि लॉकडाउन के रूप में है और वो की गई, ठीक है। सेकंड हमारे पास मेथड था कि हम बहुत ज्यादा अपने टेस्टिंग रेट को बढ़ा दें, जिससे कि हम जल्दी जल्दी केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको इलाज कर सकें, लेकिन वो फंडा नहीं चला, क्योंकि अभी जो टेस्ट है वो कॉस्टली भी है और टाइम उसमें लग रहा है टेस्ट की रिपोर्ट आने में, और जो रैपिड टेस्ट किट्स आई थी वो आई थिंक फेल हो गई है, क्योंकि चाइना से शायद वो आई थी तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, नहीं तो गवर्नमेंट की पूरी तैयारी थी, 10 लाख किट्स आ चुकी थी ताकि हम जल्दी जल्दी टेस्ट करके पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। और तीसरा तरीका है एक हर्ड इम्यूनिटी का। तो अब जो ये लॉकडाउन खुल रहा है ना, तो इसमें थोड़ी टेंशन हमारी भी बढ़ रही है, डॉक्टर्स की भी, हेल्थ डिपार्टमेंट की भी, क्योंकि ये दो तरह से है इसका रोल, एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है। खराब ये है कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, केसेस बढ़ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, अभी हिमाचल में भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लेकिन इसका एक फायदा भी है, इसका फायदा ये है कि हर्ड इम्यूनिटी एक वर्ड आ रहा है निकल के, और काफी डिस्कशंस चल रही हैं इस पे ग्लोबल लेवल पर कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। जैसे कि वैक्सीन से हम हर्ड इम्यूनिटी ही क्रिएट करते हैं ना, एंटीजन को हम बॉडी में एंटर करवा देते हैं ताकि एंटीबॉडी रिएक्शन होकर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बन जाए, लेकिन इसका वैक्सीन आ नहीं रहा है। तो जब हम बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम कोरोना वायरस के अटैक को सहन कर लेंगे, जो हमें लक्षण होंगे वो माइल्ड होंगे, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि फिर हम कैरियर नहीं बनेंगे, हम रेजिस्टेंट हो जाएंगे उसके लिए, तो चेन कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगेगी कोरोना वायरस की।
हर्ड इम्यूनिटी का फंडा यही है कि लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन इसमें डर यही है कि जब 60% लोग जब जब इन्फेक्टेड हो जाए उसके बाद इसका जो स्प्रेड रेट है वो स्लो डाउन होगा, लेकिन चेन तभी ब्रेक होगा। लेकिन डर यही है कि मानवता का विनाश, कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो उनको इसके खराब इफेक्ट आ सकते हैं। तब भी बार बार जोर दिया जा रहा है, देखो लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी का फंडा भी माइंड में नहीं रखें, हमारी गवर्नमेंट नहीं रख रही है, कई कंट्रीज में रखा गया है और वहां पर बहुत नुकसान हुआ है, सभी देख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत कॉपरेट किया, लेकिन लॉकडाउन अगर हम रखते हैं तो हमें ये लंबे समय तक चलेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन सबके लिए अच्छा तो लॉकडाउन ही है, लेकिन खुलेगा, खुलने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो किन किन कारणों से खान पान से हम जंक फूड्स खा लेते हैं, रिफाइंड खाना, पैकेज फूड्स हैं, और जहां तक का आज का यूथ है, आई थिंक 70% जो है वो इन्हीं चीजों पर निर्भर है। घर का खाना उन्हें पसंद आता नहीं है, कुछ की तो मजबूरी है कि बाहर जॉब करते हैं या बाहर स्टडी करते हैं, लेकिन जो लोग घर में है वो भी खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब सबको माननी पड़ेगी ये बात, घर का खाना ही खाना पड़ेगा। इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं एक तो अपने अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाकर। बच्चों का आज की यूथ का सबसे ज्यादा, यूथ पर इसलिए फोकस कर रही हूँ, इंस्टा पर ज्यादातर यूथ होता है, तो अच्छा मुझे मौका मिला है यूथ को समझाने का इस प्लेटफॉर्म पर। तो सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, कुछ नहीं पता। 2 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, 6 बजे लंच हो रहा है ना, डिनर रात के 2 बजे हो रहा है। और तो अपना सबसे पहले लाइफस्टाइल ठीक करना, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे और कोविड अटैक कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा और आप बच नहीं पाएंगे, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात है हमारी अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट में सभी तरह के वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कोई खाना पसंद नहीं करता है ना, पालक कोई नहीं खाता है, शिमला मिर्च कोई नहीं खाता है, और नट्स, है ना। तो मतलब इन चीजों को आपको अपनी लाइफ का अब हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है, वी हैव नो अदर ऑप्शन। अगर आप देखें, क्योंकि कोविड-19 का अटैक अभी 1.5-2 साल चलना है, और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा इसके अटैक से बचने के लिए। और अटैक हो भी जाए तो कोई डर नहीं है, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम बच जाएंगे उससे। तो हमें चीजों में विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सब, ये सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट का फंडा समझाया, ताकि आपको इसकी वैल्यू समझ आ सके कि हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना क्यों अच्छा क्यों खाना जरूरी है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी फ्री रेडिकल से लड़ रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स आकर उसकी हेल्प करें, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करें, एटम्स को स्टेबल करें, ताकि हमारी बॉडी में डैमेज होने से बच सके। तो पहला हो गया लाइफस्टाइल ठीक करना, सोने जागने का टाइम सही करना, न्यूट्रिशियस खाना, नींबू, आप नींबू को अपनी लाइफ में लाएं, और सारी सब्जियां, सारे फ्रूट, सारे नट्स, वेजिटेबल्स जो न्यूट्रिशियस हैं, हमें गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ताकि वो हमारी वियर टियर को प्रिपेयर कर सके। इसके बाद थर्ड आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए आज के टाइम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सोल्यूशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। हम छोटी एज पर होते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इसको इससे हम कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी पर दबाव आता है। तो हर चीज को टेंशन फ्री होकर कीजिए, अपने मेंटल लेवल को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपको स्ट्रेस ना आए। उसके बाद नींद पूरी अगर होगी आपकी तो भी आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल है, उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, खुशी मिलती है तो एनर्जी मिलती है, और हमें बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है। ओबेसिटी नहीं होगी तो हाई बीपी, डायबिटीज, कितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज के टाइम में हैं, तो इन सब से हम, तो ये सारी चीजें हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, स्ट्रेस ना लेना, एक्सरसाइज करना। इसके साथ ही आयुर्वेद, हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने कुछ टिप्स जारी की हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अगर हम इंडियंस हैं और हमारे घर में दादी नानी हैं, तो हमारे घर में ऑलरेडी वो चीजें फॉलो हो रही होती हैं, है ना। तो उनमें सबसे पहले यही है कि दिन भर गर्म पानी का सेवन करें। तो आजकल गर्मी का समय है, इस समय मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप फ्रिज का पानी ना पिए, लेकिन नॉर्मल पानी पिए। गर्म पानी अभी नहीं पिया जाएगा, लेकिन फ्रिज के पानी की बजाय नॉर्मल पानी पिए, तो वो उससे हमारे बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रहेगी, मेटाबॉलिक फंक्शंस ठीक चलेंगे, बॉडी का इम्यून सिस्टम अप रहेगा। इसके साथ ही हमारा दूसरा गाइडलाइन है कि हल्दी वाला दूध, दूध तो पीना ही है, दूध पीना है एक टाइम, ठीक है ना। तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर पी लो। एक दिन खराब टेस्ट लगेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन आदत बन जाएगी। टेस्ट डेवलप करने की बात होती है, हैबिट बन जाती है। अगर अच्छी हैबिट से कुछ फायदा होता है तो हमें उसको जरूर अपनाना चाहिए। उसके बाद एक इसमें आता है ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग करना, उसमें तिल का तेल या नवनीत सर का क्वेश्चन बोलिए। नवनीत सर आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैम डज पुटिंग मस्टर्ड ऑयल इन नॉस्ट्रिल्स फ्लश आउट द नोवल कोरोना वायरस। यस, ये इस पॉइंट पर मैं आ रही हूँ, ठीक है। पहले ये कवर कर लेते हैं ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग में कोई भी नारियल का तेल, आप तिल का तेल दो चम्मच मुंह में रखकर उसको घुमाना है। आप इन द मीन टाइम कुछ काम करते रह सकते हैं, और फिर उसको थूक कर कूला कर लेना है, और फिर ब्रश कर लेना है। इससे हमारी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। नेक्स्ट है जो उनका क्वेश्चन है कि दोनों नाक में जो है घी, नारियल या तिल का तेल लगाकर निकलना है। मतलब इसका आंसर ये है कि ये कोरोना वायरस को किल नहीं करेगा, किल करने की कैपेसिटी नहीं है इसमें, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये इन्फेक्शन को, अगर बाई चांस आप कोरोना वायरस के इफेक्ट में आने लगे हैं, तो अगर आपने ऑयलिंग अपनी प्रॉपर कर रखी है, तो ये वहीं पर रोक देगा उसको, हो सकता है कि वो अंदर जाने से बच जाए। तो इसलिए ये एक प्रिकॉशन है, और ये एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है कि जब भी आप घर से बाहर निकले आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में, तो जरूर अपने नॉस्ट्रिल्स को ऑयलिंग करके निकले। ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव मेजर है ये, ठीक है। इसके साथ ये जर्म्स को अंदर आने से शायद रोक सकता है, रोक सकता है ये, हाँ। इसलिए शायद नहीं, 60% रोक सकता है ये, ठीक है। इसके साथ ही हमें जैसे रूटीन में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, जो भी किचन की हमारी चीजें होती हैं, इनको रूटीन में हमें यूज करना है। काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं इनका, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी का सीजन आ गया है, तो आई थिंक सब तरह के लोगों को ये सूट नहीं करेगा। तो रूटीन में आप एक टाइम दालचीनी का पानी पी सकते हैं, गर्म उसको एज टी बनाकर पी सकते हैं, गिलोय को किसी भी रूप में ले सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, और साथ में च्यवनप्राश। च्यवनप्राश मेरा अपने पेशेंट यही एडवाइस रहता है कि पूरी सर्दी 6 months आप च्यवनप्राश खाइए, और पूरी गर्मी आप आंवला खाइए। आंवला इन एनी फॉर्म, आंवला का मुरब्बा बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो अभी की गाइडलाइन यही है कि रोज एक चम्मच च्यवनप्राश दूध या चाय के साथ या गर्म पानी के साथ आप लें, तो आपकी इम्यूनिटी उससे अच्छी होगी। और अगर आपको थोड़ा अभी गले में खराश हो रही है, तो आप फिटकरी के पानी के गरारे कर सकते हैं, और आप काली मिर्च में शहद मिलाकर ले सकते हैं, या लौंग के चूर्ण में शहद मिलाकर ले, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में, जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण है अगर किसी को अवेलेबल होता है, गिलोय अवेलेबल होती है, गिलोय का काढ़ा हमारे तो हेल्थ सेंटर्स में मौजूद है, और हमारी मिनिस्ट्री ने कुछ ये निकाले भी हैं, आप देख सकते हैं। ये हम कोरियर कोरोना वॉरियर्स को हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं अभी लार्ज स्केल पर हमारा डिपार्टमेंट, और साथ ही हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ ये निकाली हैं, इंस्ट्रक्शंस निकाली हैं। अभी आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ये मैं आप लोगों को इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल करा सकती हूँ। ये रसोई एक औषधालय निकाला है हमारे इसमें, कि हमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल अपने किचन में डेली में करना चाहिए, जैसे कि जीरा, मेथी, हल्दी, अजवाइन, दालचीनी, मुलेठी, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, धनिया, अदरक,
ये सब चीजें जब हम रूटीन में अपनी लाइफ में लेकर आएंगे ना, इनको हींग, सैंधव नमक, पुदीना, लहसुन, जायफल, शहद, नींबू, कितनी सारी ये रूटीन में हम सब चीजें यूज कर ही तो रहे हैं ना। और आप एक बात मानोगे कि WHO ने भी इस बात को माना है कि इंडियंस की इम्यूनिटी कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छी पाई गई है इन स्पाइट ऑफ अदर कंट्रीज के। और वो इसीलिए है कि हमारी किचन ही एक औषधालय है, रसोई एक औषधालय है ना। तो ये चीज को कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, और एटलीस्ट हम इंडियंस को तो करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी पैटी है, हमारे लिए बनी है, हमारे को सूट करती है। सो मैम, 1 आवर खत्म होने वाला है, आई थिंक वील आई हैव टू रीजॉइन यू बिकॉज मुझे आपसे थोड़े से क्वेश्चंस और पूछने हैं। गाइज प्लीज रीजॉइन कर लेना अगर ये वीडियो ओवर हो जाए तो, बिकॉज 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा सेशन ले सकते हैं हम मैम के साथ, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यू नो गाइडलाइंस दे रहे हैं। बट मैम थैंक यू सो मच, आपने अनुराधा मैम का क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है। किसी ने पूछा है कि बाल जल्दी बढ़ाने का तरीका जल्दी बढ़ाने का तरीका यही है कि न्यूट्रिशियस फूड के आप और ऑयल मसाज कीजिए, और जंक फूड्स, रिफाइंड शुगर, पैकेज फूड्स, ये सारी चीजें बहुत नुकसानदायक हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, पिंपल्स के लिए, है ना। तो ऑयल मसाज जितना अच्छे से करेंगे आप, ऑलिव ऑयल मसाज कर सकते हैं, हमारा भृंगराज ऑयल आता है एक बहुत अच्छा, उसका मसाज कर सकते हैं, साथ में कर्ड से आप मसाज कर सकते हैं, नींबू से आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है तो प्लीज आप जल्दी से उसके बारे में भी बताएंगे। आई थिंक उसका नाम आयुर्वेद गाइड है एंड आई सर्च फॉर इट, सो उसमें काफी इन्फॉर्मेशन है। सो वॉट इज इट रिलेटेड टू, कैन यू जस्ट टेल आवर व्यूअर्स क्विकली? So I think you are a very good host, काफी तैयारी करके आई हो तो मेरे बारे में जानकारी लेकर। तो यस, मेरा एक चैनल है आयुर्वेद गाइड, और उसमें मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स डालती रहती हूँ, और ये जी इनका क्वेश्चन था उन्हें भी जरूर रेफर कर देना, वहां पर उनको इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहा है, जैसे मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है सोसाइटी में, अगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो मेरा यही फंडा है, मेन यही है कि अगर हम पहले से ही अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लें तो हम बीमार पड़े ही ना, और हमारे डॉक्टर्स का भी, हम डॉक्टर्स का भी कुछ काम कम हो जाए, उससे कुछ ये वाला फायदा भी होने वाला है। तो यही मेरा एक पर्पस था यूट्यूब को ज्वाइन करने का। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जब हमारा टाइम था उस समय यही होता था कि लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, लड़के इंजीनियर बनेंगे, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक टेक्निकल चीज थी, तो वो मुझे वो चीज भी अच्छी लग रही है कि हेल्थ कंटेंट तो मैं देती ही हूँ लेकिन जो वीडियोस को मैं एडिट करती हूँ उसमें मुझे बहुत इंजॉय करती हूँ मैं उसको, तो मेरा वो चीज भी इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन पूरा होता है कि लैपटॉप पर कुछ काम करने का मुझे मौका मिल जाता है, साथ ही थोड़ा ज्ञान बांट देती हूँ तो वो भी मन को एक खुशी होती है। मैम यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, मतलब आप एक डॉक्टर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एंड आई मीन हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है इतना सारा काम करने का, हम लोग फ्री लोग हैं, ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ यंग जनरेशन। तो आप एक डॉक्टर का काम तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है और हेक्टिक होता है, उसके साथ साथ आप ये सब कैसे हैंडल करती है, मतलब कैसे मैनेज करती हैं आप ये सारा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, मुझसे बहुत लोग ये बात पूछते हैं क्योंकि मेरा जॉब भी है, अपना टाइम पूरा देना है, और यूट्यूब में टाइम काफी लगता है, 8 आवर्स लग जाते हैं मुझे एक वीडियो को कंप्लीट करने में, एंड 250 वीडियोस कम से कम मैं डाल चुकी हूँ अभी तक। लेकिन इसका एक ही पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी, पैशन और हार्डवर्क, तीन चीजें होना बहुत जरूरी है जो कि आज के यूथ में बहुत कम है, सॉरी टू से काजल, बट मैं आजकल हार्ड वर्किंग बच्चे मिलते ही नहीं है, दूसरी बात कंसिस्टेंसी नहीं है, आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, और कि सब लोग आजकल टिकटॉक, फेसबुक, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, चैटिंग, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट मजा आता है, कभी मुझसे भी गलती से कोई टिकटॉक खुल जाती है ना तो मुझे पता ही नहीं लगता एक घंटा कहाँ चला गया, उसको देखने में मजा आता है, फनी वीडियोज, लेकिन आप अपने दिल से सोचे यार कि आपका मोटिव क्या है इस दुनिया में आने का, आपको अपने लिए तो जियो पहले, फिर आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना है। और जो यूथ होता है ना वो किसी भी देश की बैकबोन होता है, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में यूथ ही काम आता है, अगर हमारा यूथ आलसी होगा ना तो वो बीमार भी होगा,
और मानसिक रूप से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत नशा कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन इतने ज्यादा हो रहे हैं। अरे यार, बी पॉजिटिव, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव हार्मोन्स बाहर आएंगे, पॉजिटिविटी निकलेगी। आज के टाइम में ऑनलाइन यूट्यूब पर ही आपको इतने कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनको सर्टिफाइड कोर्सेज ले सकते हो। और मैं एक बात और यूथ को बता देती हूँ कि आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही होने वाला है, क्योंकि अब कोरोना के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और काफी लंबे समय तक ऑनलाइन ही काम होने वाला है। तो आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है। अरे हमें तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं हुई, हम सोचते रह गए कि हमें छुट्टी हो तो आराम से बैठ के अपना यूट्यूब बनाए। हम तो लगातार जॉब पर भी जा रहे हैं सब। आप लोग घर में बैठे बैठे सिर्फ रो रहे हो कि हम तो डिप्रेस हो गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमारा खाली टाइम पास नहीं हो रहा है, हम सो सो के थक गए, देख रही हूँ मैं कितना कुछ। अरे यूटिलाइज कीजिए टाइम को और अपने अंदर अपना एक गोल सेट कीजिए, अपने अंदर से सोचिए आपको क्या पसंद है और लग जाइए उस डायरेक्शन में। और हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, मेक मनी ऑनलाइन ऐसे नहीं मिलता है, हार्ड वर्क होता है उसके पीछे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। किसी भी काम के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। तो मेरा यूथ से यही 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 एक कहना है कि प्लीज 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 देश के लिए नहीं तो अपने लिए कुछ करो, अपने माँ बाप पर भार मत बनो, अपने लिए कुछ करो यार। बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक से एक चीज अवेलेबल है। टिकटॉक और इन चीजों को छोड़ दो, जस्ट इंजॉय के लिए इनको करो, लेकिन अपना पूरा टाइम इस पर डिवोट मत करो, अपना कैरियर बनाओ। और ऑनलाइन कैरियर इस समय आप लोग बनाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। यस मैम, डेफिनेटली दिस इज वेरी मोटिवेशनल। मैं मेरे साथ क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम करूंगी और फिर मुझे इंस्टाग्राम दिख जाता है, फिर मैं इंस्टाग्राम पे लग जाती हूँ, फिर मुझे यूट्यूब दिख जाता है, तो पढ़ाई पीछे रह जाती है सब आगे। मुझे कैंडी क्रश खेलना इतना पसंद है कि मैं 2000 लेवल पर हूँ इस सब के बावजूद भी, और उसके जैसी बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके मैं 1500 लेवल क्रॉस कर चुकी हूँ। ये एक एडिक्शन होती है। अभी भी मेरा बहुत मन करता है कि मैं खेलूं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार मेरा यूट्यूब रह जाएगा। तो ठीक है ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और यूथ को तो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं तो अपना टाइम पास अपना जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई कंपल्शन नहीं है, मेरे पास अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये, आपका कैरियर मेकिंग टाइम है ये, तो अपने आप को बर्बाद मत कीजिए बेकार के प्लेटफॉर्म्स पर, अच्छी जगह अपनी एनर्जी लगाइए। और यूथ में बहुत एनर्जी है, जरूरत है उस एनर्जी का डायरेक्शन बदलने की और उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने की। यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मोटिवेशनल मैसेज दिया हमारे यूथ को। सो दिस वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू वेरी मच मैम। एंड गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोरोना या फिर कोई भी आयुर्वेदिक चीज के बारे में, सो आप मैम के आयुर्वेद गाइड पे जा सकते हैं। आयुर्वेद गाइड मैम का यूट्यूब चैनल है, यू कैन ओपन दैट एंड यू नो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट आप मैम से पर्सनली भी पूछ सकते हैं उनके इंस्टाग्राम आईडी पर, उन्हें डीएम करके, राइट? यू कैन इवन फॉलो हर एंड उनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर। लाइक यू ऑलरेडी नो, हमने उनके उनके पास एक वेल है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें से हमने शायद वन मग भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अभी ली है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट, and everybody is appreciating the session, everybody is saying very informative, and thank you Anuradha ma'am, thank you everybody guys, and thank you Dr. Divya, thank you ma'am, thank you so much for being here with us. तो थैंक यू कहना चाहूंगी। और ये भी एक जो वेकअप कॉल की टीम है, काजल है, और जो बिहाइंड द सीन है अमन है, एटलीस्ट जिनको मैं जानती हूँ, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी यूथ के लिए एक एग्जाम्पल हो, आप भी एक कोविड वॉरियर हो, जो कि इस टाइम में इसी रूप में आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो। ये मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आई एम सो मच हैप्पी कि आप लोग ने ये प्लेटफॉर्म चुना और आप इसके थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हो। सो कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नवनीत सर, वो बोल रहे हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। प्लस थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। स्टे हेल्दी।
थैंक यू मैम. ओके गाइस, सो दिस वाज सीमा मैम, एंड आप इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आयुर्वेदा गाइड. एंड ओ गॉड, 1 आवर से ज्यादा हो गया है सेशन, तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्टेइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग वेकअप कॉल. गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वेकअप कॉल को, प्लीज कर लो, प्लीज. It's high time. Come on. For more informative and more entertaining sessions with, you know, other hosts also, you can join in. And kal ek YouTuber aaye the, and hamare paas har hafte koi na koi naya, you know, motivational speaker ya artist aate hain, you know. So it'll be great, you know, it'll be great to see you people again. And thank you so much for joining in. Bye everybody, and stay healthy, stay safe, and please follow social distancing.